हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा काफ़ी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करूंगा आप ही के अपने यूट्यूब चैनल वायरल गेम्स पे। देन फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आलूकार्ड एंड ट्रिजला के लिए। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट तो ट्रिजला के लिए ही है ये वीडियो। ट्रिजला पे हम बात करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं इसका कितना पावर है या फिर आप उसको आगे यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देन यहाँ हम ट्रिजला के ऊपर ही टोटली बात करेंगे। ओके, एंड देन ट्रिजला एंड आलूकार्ड की फाइट हम कराएंगे। देन फिर चेक करेंगे हम कि देखते हैं आलूकार्ड ज़्यादा बेटर है या फिर ट्रिजला ज़्यादा बेटर है। ओके, एंड देन फ्रेंड्स, अभी गेम में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड सब्सक्राइब के पास आपको मिलता है बेल आइकन, तो आपको बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना है ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं डायरेक्ट लेके जाऊँगा आपको मैच में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गेम स्टार्ट कर दिया है। सामने मैंने लिया है आलूकार्ड को एंड मैच यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड देन यहाँ पे मैं देने वाला हूँ दोनों को ही फुल पावर। ओके, एंड गोल्ड, जिससे कि वो अपना पावर भी बढ़ा सके। ओके, देन यहाँ से मैं दूंगा मैक्स लेवी। ओके, अपग्रेडिंग एंड यहाँ पे अपग्रेड एंड ऐड गोल्ड कर दूंगा मैं अच्छा खासा यहाँ पे इनके पास, दोनों के पास मैं गोल्ड। आप यहाँ देखोगे गोल्ड बढ़ रहा है हमारा, गोल्ड मैं ऐड कर रहा हूँ इनको। एंड आलूकार्ड के पास भी मैं गोल्ड ऐड कर देता हूँ इतना ही। ओके फ्रेंड्स, एंड देन इसको हम हटाएंगे एंड अब भी हम हमारा जो भी पावर है उसको कर लेते हैं अपग्रेड। ओके, पावर अपग्रेड हो चुका है एंड देन यहाँ पे हम कर लेते हैं इनको भी अपग्रेड। ओके, एंड देन अभी हम जाएंगे आगे। ओके, पावर मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर लिया है अपना, यहाँ देखोगे आप। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंजिंग करूँगा, यहाँ पे इसको मैं करूँगा सेल ब्लाइंड्स को, और यहाँ पे अटैक में जाने के बाद यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मुझे यहाँ पे पावर लगता है जिसका 170 फिजिकल अटैक पावर है। ओके, तो मैं इसको कर लूँगा इसकी जगह वाय। ओके, यहाँ आप देख सकते हो इन सब को आप फाइटिंग के दौरान ट्रिजला के लिए यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे इसको भी मैं चेंज करने वाला हूँ, इसकी जगह मैं मोमेंट में यहाँ पे स्यूज को लेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इसकी अटैक स्पीड है। ओके, एंड देन अभी हम जाएंगे आगे। एंड सबसे अच्छा मूव यहाँ पे फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा मुझे इसका ये लगा। यहाँ फ्रेंड्स, इसका जो सबसे पावरफुल मूव है, ओके, वो सेंटर वाला यहाँ पे जो ये हथौड़ा मारता है ना, काफ़ी ख़तरनाक है और 7 सेकंड के अंदर ही आपको वापस मिल जाता है। ओके, एंड देन यहाँ पे ये देखोगे ये वाला। ओके, एंड देन लास्ट जो मूव है, 3 बार हमें यहाँ पे टच करना होता है, रुक रुक के थोड़ा सा। ओके, 3 बार टच करोगे ये वाला मूव निकल जाएगा। एंड देन ये जो लास्ट वाला मूव है, ओके, इससे क्या है कि ये सामने वाले बंदे को इस तरह से जकड़ लेता है और यहाँ से निकलने नहीं देता है। ओके, यहाँ आप देखोगे एंड देन ओके, अभी मैंने फुल पावर मूव यूज किया है तो यहाँ पे देखोगे मैंने बिल्कुल उसने मेरा को ख़त्म कर दिया था। देन उसके बाद भी मैं वापस निकल के आ गया, तो लास्ट में आपको एक मौका मिल जाता है अगर फुल पावर आप यूज करते हो। ओके, एंड देन अगर मैं दोनों की कंपैरिजन की बात करूँ तो यहाँ फ्रेंड्स मुझे दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं मिला। एंड देन थोड़ा बहुत ओके, यहाँ पे अगर मैं आलूकार्ड को मार्क दूँ 10 में से, तो मैं 10 में से आलूकार्ड को 7 दूंगा और ट्रिजला को मैं 7.5 देना पसंद करूँगा। ओके, एंड देन इस तरह से आप दूर तक भी इससे वार कर सकते हो, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट में यहाँ पे मिला। एंड देन यहाँ पे अगर इसकी माइनस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे माइनस पॉइंट की बात सिर्फ यही इतनी ही है कि ये काफ़ी स्लो अटैक करता है यार। ओके, इसकी अटैकिंग स्पीड बहुत स्लो है, बाकी अटैकिंग स्पीड में फ्रेंड्स यहाँ पे अटैक में इसके में काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस है। ओके, काफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस यहाँ पे आप कह सकते हो, ये देखिए। ओके, देन यहाँ पे जो ये हथौड़ा मारता है, एंड देन जो फर्स्ट वाला मूव है यहाँ पे अटैक है, उसका इतना पावर नहीं है। ओके, इतना डैमेज इससे नहीं कर पाता है। ओके,
एंड देन जो बीच का जो हमें पावर मिल रहा है यहाँ पे सेंटर में, ओके हथौड़ा मारने वाला वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड यहाँ पे जो जकड़ने वाला पावर लास्ट का 3 नंबर का पावर ये वाला, ओके इससे अगर सेंटर में जब ये हथौड़ा मारता है तो वहाँ पे चैन से उनको बांध देता है। ओके ओके तो यहाँ पे फ्रेंड्स आलू कार्ट को मैं कहूँगा कि अगर आप सॉरी ट्रिजला को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक बाय कर सकते हो, मेरा फेवरेट। यहाँ पे पिछला जो मैंने आपको बताया था आलू कार्ड के लिए, तो उसको हटा के अब मैं ट्रिजला ज़्यादा यूज़ लेता हूँ फाइट के लिए। ओके एंड ट्रिजला मैंने बाय भी किया है जैसा कि आपके साथ मैंने शेयर किया था पिछले वीडियो में। एंड फ्रेंड्स इसके मूव थोड़े स्लो मुझे लगे, बट यहाँ पे इसका जो पावर है एंड काफ़ी गजब यार कहना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे इसके मूव्स यहाँ पे लगे। ओके देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस हीरो लगा मुझे ये। ओके एंड देन यहाँ पे अगर मैं इसको बांधने की आपको बात कर रहा था, ओके तो देन यहाँ पे मैं इसको यहाँ ओके अब देखो ये निकल नहीं पाएगा, ओके बंधा नहीं यार, ये निकलना पड़ेगा भाई, निकलना पड़ेगा भाई, रुक जा यार। ओके पावर बढ़ा के आते हैं एक बार, फुल पावर मैंने उसको दिया है। एंड देन यहाँ पे ये मत सोचिए कि उसने मेरे टावर यहाँ पे डैमेज कर दिया, मैंने प्रैक्टिस मोड पे लगाया हुआ है इसको। ओके देन यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे मूव इसके यूज़ कर रहा हूँ। ओके एंड देन वरना मैं आलू गार्ड को यहाँ पे इसे अड़ने भी नहीं देता। ओके 1 2 3 गो। और ये देखिए अभी देखिए आलू गार्ड को यहाँ पे इसने बांध दिया है, निकल नहीं पाएगा। ओके जब तक आपका पावर चल रहा है ना उधर, ओके तब तक आप वहाँ से सामने वाला बंदा निकल नहीं सकता है। ओके तो आलू गार्ड को यहाँ पे आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, सॉरी ट्रिजला को बिल्कुल अगर आप बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड देन थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा शुरू में प्ले करने में थोड़ी सी मुश्किल आपको आ सकती है देन समझने में, एंड इसके मूव्स वगैरह तो उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा और चेंजिंग करूँ, इसमें चेंजिंग करना चाहूँ, ओके देन यहाँ पे डिफेंस में अगर मैं लेके जाऊँ तो यहाँ डिफेंस अगर मैं यहाँ पे कुछ पावरफुल अगर मैं लूँ, ओके 1200 HP हमें यहाँ मिल रही है और इसमें हम चेक करते हैं तो 800 HP। ओके देन यहाँ पे एंड 800 HP मिल रही है माना तो यहाँ पे एंड 1000 HP, तो यहाँ पे ये मुझे बेटर लगा यहाँ पे। ओके देन मैं इसको यहाँ से करूँगा सेल एंड देन HP में मैं इसकी बढ़ाता हूँ। ओके एंड देन बॉय। ओके अभी देखते हैं, वाह यार एक ही पावर में 75% खत्म कर दिया। ओके एंड देन यहाँ पे अगर मैं मॉन्स्टर किल की बात करूँ तो देखिए मैं इसको अकेला फ्रेंड्स अकेला मैं इसको किल करूँगा। ओके देन इसी पावर से फुल पावर मेरे पास है एंड देन इसको किल करते हैं तो यहाँ पे देखिए। ओके ओके फ्रेंड्स तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा ओनली 50% पावर लॉस हुआ है और उसके बाद मैंने उसको किल कर दिया है। ओके देन यहाँ पे जो कि आपको बताया आपने अगर गेम प्ले किया हो तो तीन ग्रुप के जब तीन से तीन बंदे तो जब जुड़ते हैं ना कम से कम तभी हम इसको किल कर पाते हैं। ओके मैंने अकेले इसको किल किया है। ओके एंड पावर मैंने आपके सामने यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है आप देख सकते हो। एंड अभी मैं लेके जाऊंगा आलू कार्ड के पास एंड ओके ये गया आलू कार्ड। ओके एंड देन अबे अबे निकल गया रे यार, एंड अभी बात आती है
आलू कार्ड को किल करने की। तो मैंने यहाँ पे आलू कार्ड से बिल्कुल फाइटिंग नहीं की है। देन यहाँ पे अभी आलू कार्ड इसको किल तो कर ही देगा मॉन्स्टर को। ओके देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके उसने किल कर दिया है ऑलमोस्ट। एंड देन यहाँ पे एक बार हम अपना पावर बढ़ाएंगे और उसके बाद एक बार पूरी फुल फाइटिंग करेंगे। तो देखते हैं कि इस बार आलू कार्ड निकलता है या हम निकलते हैं। ओके एंड देन गो। ओके अभी फुल फाइट हम करने वाले हैं। ये देखिए मैंने उसको बांध दिया है बिल्कुल। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने उसको आपके सामने बिल्कुल किल किया है। ओके एंड उसका भी यहाँ पे फुल पावर है। एंड देन कंप्यूटर है। एंड कंप्यूटर को यहाँ पे फ्रेंड्स पूरा अपना जो कि बेस्ट पावर होता है वही यहाँ पे चूज़ करता है। ओके क्योंकि जो कि बेस्ट से बेस्ट मोमेंट उसकी रहती है कंप्यूटर की पूरे गेम की वही उसको चूज़ करता है। ओके एंड देन आपने और मैंने यहाँ पे जो भी मैंने पावर यहाँ पे यूज़ किए एंड वो आपके सामने है सभी। ओके यहाँ पे डिफेंस वगैरह मैजिक वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया है। ओके देन यहाँ आप देखोगे मैजिक वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया है। बस मैंने यहाँ पे बॉटल ली है। तो इस बॉटल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 30 मैजिक पावर एंड 50% क्लाउड ऑन एंड सेकेंड लास्ट। ओके कोई ज़्यादा वो नहीं है। ओके तो यहाँ पे मैंने ओके आपसे बात करते करते उसने मुझे आलू कार्ड ने मेरे को यहाँ पे मेरी ले भी ली। ओके चलो कोई बात नहीं। एंड देन तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सभी मूव्स आप यूज कर सकते हो। एंड देन एक एक वन ऑफ द मोस्ट चीज यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने मेरे पास अभी यहाँ पे ये फाइटिंग हीरो है। ओके एंड फाइटिंग के लिए जो ऑप्शन आते हैं जो कि पावर्स हैं हमारे वो फाइटिंग वाले ओपन नहीं है। ओके देन यहाँ पे हम करेंगे इसको लीव एंड मैं यहाँ पे आपको थोड़ा चेक करवा दूंगा। ओके देन यहाँ पे हम इस फाइट से निकल जाते हैं। और अगर आपको कस्टम में प्रैक्टिस मोड की नॉलेज नहीं है पूरी जानकारी नहीं है एंड इसके बारे में जानना चाहते हो कि इसको किस तरह से प्ले करते हैं किस तरह से पावर वगैरह बढ़ाते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके तो फ्रेंड्स आज का वीडियो ट्रिजला के ऊपर था। तो मेरा अगर यहाँ पे अगर रैंकिंग की मैं बात करूँ यहाँ पे तो 10 में से 7.5 रैंक मैं इसको ज़रूर दूंगा। ओके मुझे काफ़ी बेस्ट हीरो लगा यहाँ। ओके एंड मैं इसको यूज भी कर रहा हूँ एंड लाइव मैच भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जल्दी ही। एंड देन ट्रिजला अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ सके। ओके एंड सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को एंड आगे भी अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइएगा। ओके फ्रेंड्स तब भी के लिए इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।